तो देखिए बेटा, हमने इसके पहले पार्ट में अभी तक क्या क्या पढ़े। हमने प्रिपरेशंस ऑफ अमाइंस में यानी केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पूरी पढ़ लिए थे, और हम अभी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने चार बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस हमने देखा। हमने बताया था कल कि अमाइंस बेसिक नेचर का होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है अमाइंस में, वो इजीली किसी को भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लेविस बेस। हमने उसको ब्रॉन्स्टेड लॉरिस बेस के तौर पर भी पहचाना था, क्योंकि अमाइंस के पास कैपेसिटी होती है किसी भी प्रोटॉन को वो जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है। इसलिए अमाइंस हैव बेसिक नेचर होते हैं। इसलिए बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हमने कल बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद हमने एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, बिकॉज नाइट्रस एसिड क्या होता है, अनस्टेबल होता है, तो पहले हम उसको सीटू कंडीशन में बना देते सोडियम नाइट्राइड के साथ HCl की रिएक्शन करके। और उसके बाद हमने एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड के द्वारा हमने क्या किया था, डाइजोनियम सॉल्ट को लेकर कन्वर्ट करके दिया था अल्कोहल में। तो उसके बाद हमने असाइलेशन ऑफ अमाइंस भी किया था, और अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस को आपने क्या बोला था, हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन, जिसमें आपने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस कैसे किस प्रकार से रिएक्ट होते हैं ये देखा था। आज हमें जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस पढ़ना था, दैट इज नथिंग बट हॉफमन एलिमिनेशन। तो अभी अभी जो हमको पढ़ना है वो है हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हॉफमन एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। सो अभी आपको देखिए, ये जो हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एक प्रकार का नेमिंग रिएक्शन है इसमें, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम इन्वॉल्व है। इसके पहले भी हमने जो पढ़ा था अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, तो उसमें भी आपने देखा था हॉफमन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन आपने पढ़ा था, ये भी वही नेमिंग रिएक्शन था। तो हॉफमन नाम के साइंटिस्ट ने ये दोनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से आपके अमाइंस के कंटेंट में एक्सप्लेन किया है। तो हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि आप इसमें क्या कर रहे हो, जो हैलाइड होता है उसको आप एलिमिनेट करते हो विद द हेल्प ऑफ OH ग्रुप। तो यहाँ पे हाँ देखिए, तो व्हेन टर्शरी अल्कोनियम हलाइड, टर्शरी अल्कोनियम हलाइड आपको लेना है। तो जैसे देखिए C2H5, आप क्या करोगे, C2H5, हाँ, तो C2H5N+ बराबर है। अरे आवाज येतो आहे कोणाचा तरी, बॅकग्राऊंडमध्ये आवाज बंद करा, म्यूट करा आपला माइक। हाँ तो देखिए, सबसे पहले हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में आप क्या करते हो, इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम क्लोराइड लेते हो। तो इथिल ट्राई मिथिल, तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है वो क्वाटरनरी स्टेज में रहेगा, तो CH3 टाइम्स आई, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर नाइट्रोजन पे प्लस है तो आयोडीन पे क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका नाम क्या देंगे हम, इथिल ट्राई मिथिल, इथिल ट्राई मिथिल है ना, अमाइंस अमाइंस, तो इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, दैट इज नथिंग बट दी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, बराबर है। तो इथिल ट्राई मिथिल अमोनियम आयन आप लेते हो हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में, और इसकी रिएक्शन डायरेक्टली आप सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ करते हो, पर सिल्वर हाइड्रोक्साइड आपका अनस्टेबल होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सीतू कंडीशन में बनाना पड़ेगा। अब सिल्वर हाइड्रोक्साइड को अगर सीतू कंडीशन में बनाना है तो आप क्या करते हो, मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेते हो, बराबर है। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड की रिएक्शन कैसे होती है, ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O प्लस, आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो, वाटर के साथ HOH के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे सिल्वर, आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये जो लोगे वाटर ये 2 टाइम्स लोगे, बराबर है। तो जब ये रिएक्शन हो जाएंगी तो ये ऐसा हो जाएगा ट्वाइस AgOH, बराबर है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस H2O, इज इट क्लियर। तो इस तरीके से आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड सीतू कंडीशन में बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड लेना पड़ेगा, और इस रिएक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली हीट करना पड़ेगा। तो जब आप इसको सिंपली हीट करोगे तो आपको, आप देख सकोगे कि यहाँ पे क्या हो गया है कि जो आपका आयोडीन है
वो किससे रिप्लेस हो गया है, वो OH माइनस से रिप्लेस हो गया है, बराबर है, और एजी सिल्वर आयोडाइड बन गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आयोडीन का क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट OH से, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, C2H5-N+CH3 3 times OH- + silver iodide, इज इट क्लियर। तो अभी आपको जो इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयन था, अभी वो क्या हो गया इस इंटरमीडिएट में, बराबर है, ये अभी क्या हो गया इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया, इज इट क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप आएंगी, हम इसमें से क्या करेंगे, OH को निकाल के बाहर कर देंगे, बराबर है। तो अभी इसको, इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, तो हम इसका एलिमिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है, इथिन बनने वाला है। तो इसको हम अभी लेते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे, C2H5-N+CH3 3 times OH- इज इट क्लियर। अभी आपका इसको एलिमिनेट करना है, तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट इसको सिंपली हीट करोगे, तो आप इसको सिंपली हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इथिन। तो इथिन कैसे मिलेगा, इथिलिन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन है, आप इसको इथिलिन भी बोल सकते हो, इथिलिन या इथिन, ठीक है। फिर सेकंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट आपको इथिन के बाद मिलेगा टर्शरी अमाइंस, क्या मिलेगा टर्शरी अमाइंस, तो वो कैसे रहेगा, CH3 3 times N टर्शरी अमाइन मिलेगा, प्लस अब आपके पास बचा क्या है, OH वाला है ना, वाटर, बराबर है। तो आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, वाटर H2O। तो आप देख सकते हो आपने क्या किया, आपने क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट लिया और उसको टर्शरी अमाइन में बनाया विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, बराबर है। तो हम इसको बोलेंगे हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसका मतलब है आपने क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट को अल्किन बनाया, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इतना याद रखना है आपको कि हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन में आप क्वार्टरनरी अमोनियम आयन को क्या कर सकते हो अल्किन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको याद रहना चाहिए करके ये रिएक्शन लिया है। आपको वैसे नीट जेई में रिएक्शन नहीं लिखना पड़ता है, पर आपको पता रहना चाहिए कि आपने किससे क्या मिला सकते हो। तो आपको पता है कि इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयन से आप क्या मिला सकते हो, अल्किन, किस मेथड से, हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन, इज इट क्लियर। तो हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन में याद रखना है आपको इथिल ट्राइमिथिल अमोनियम आयन और क्वार्टरनरी अमोनियम आयन गिव्स अल्किन, इज इट क्लियर, गिव्स अल्किन। तो आप यहाँ पे लिख के रख दो, अगर आपको शॉर्टकट में लिखना है क्या लिखोगे, क्वार्टरनरी अमोनियम आयन कन्वर्ट्स इनटू एन अल्किन, दैट इज नथिंग बट दी हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बस इतना भी याद रखा आपने तो भी सफिशिएंट है, आपको केमिकल रिएक्शन को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसको बोलेंगे हम हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा है बेटा, हमको पढ़ना है कि हॉफमन्स कार्बेलामाइन टेस्ट। ये अभी ये जो टेस्ट है ना, ये सब आप प्रैक्टिकल्स में 12वीं में ऑलरेडी जब आप प्रैक्टिकल करते हो तो उसमें पढ़ाई जाती है, ठीक है। अगर आपने अच्छे से सिंसियरली प्रैक्टिकल एग्जाम को अगर आपने बराबर किए होंगे प्रैक्टिकल्स को, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सभी टेस्ट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल लैब में यूज़ करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कार्बेलामाइन टेस्ट क्या होता है, हॉफमन कार्बेलामाइन टेस्ट। तो ये इसको मैं पहले रब कर देता हूँ जिससे आपको वो समझने में आसानी जाए। तो हॉफमन एलिमिनेशन रिएक्शन होने के बाद हॉफमन कार्बेलामाइन टेस्ट हम देखने वाले हैं, हॉफमन कार्बेलामाइन टेस्ट। तो इसका हो गया करके मैं इसको टिक कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट है हॉफमन कार्बेलामाइन
माइन टेस्ट, कार्बिलामाइन टेस्ट, तो हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, ठीक है, दैट इज नथिंग बट डी आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। बेटा आपको मैं पहले बता देता हूँ आइसोसाइनाइड कैसे रहता है। आपको पता है साइनाइड कैसे रहता है, जब कार्बन के साथ किसी की बॉन्डिंग होती है तो साइनाइड बनता है, पर अगर यही बॉन्डिंग हम नाइट्रोजन के साथ करते हैं किसी कंपाउंड की तो वहाँ पे बनता है आइसोसाइनाइड। क्या बनता है बेटा? आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर? तो ध्यान में रखना, अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो रही है किसी इसकी तो आपको क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, दैट इज नथिंग बट डी ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट क्या होती है इसको आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है ना। पूरा रिएक्शन नहीं आया तो भी चलता है, पर किससे क्या बनता है ये आपको पता रहना चाहिए। और आइसोसाइनाइड में क्या होती है? बॉन्डिंग नाइट्रोजन से होती है किसी कंपाउंड की, ये भी याद रखना है। ये साइनाइड है, अगर कार्बन के साथ बॉन्डिंग हुई तो साइनाइड बनेगा, नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुई तो वो आइसोसाइनाइड देगा। तो हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट में आप सबसे पहले क्या करते हो? इथिलामाइन यानी कोई भी प्राइमरी अमाइन लेते हो, C2H5-NH2, दैट इज नथिंग बट डी प्राइमरी अमाइन। इसका नाम क्या है? इथिलामाइन, इथिलामाइन। तो आप इथिलामाइन लेते हो, बराबर है, और उसकी रिएक्शन क्या करते हो? क्लोरोफॉर्म CHCl3, बराबर है, और साथ में क्या करते हो? अल्कली हाइड्रोक्साइड KOH के साथ, 3 times KOH। तो आप यहाँ पे सबसे पहले आपको ये रिएक्शन जो है वो किस में मिल रही? वन स्टेप में। तो आप इसको हीट करोगे, तो जैसे ही आप KOH के साथ उसको हीट करोगे पहले आपको अल्किल आइसोसाइनाइड मिलेगा, R-NC। देखिए यहाँ पे अल्किल आइसोसाइनाइड मिल रहा है, अल्किल आइसोसाइनाइड। इज इट क्लियर? आपको अल्किल आइसोसाइनाइड, इसको आइसोसाइनाइड क्यों बोला? क्योंकि बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ है अल्किल की, तो अल्किल आइसोसाइनाइड मिला, प्लस 3 times KCl, 3 times KCl, और फिर क्या मिलेगा? 3 times H2O, फिर क्या मिलेगा? H2O प्लस H2O। अब ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 times H2O, बराबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी ये जो R है ये R की जगह पे मैं क्या लिख सकता था? C2H5। इज इट क्लियर? क्या आएगा? C2H5, समझ रहे हो क्या? तो ये क्या हो जाएगा? इथिल आइसोसाइनाइड। क्या हो जाएगा? इथिल आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। इज इट क्लियर? समझा गया? सो दिस इज नथिंग बट डी इथिल आइसोसाइनाइड। ये आपको मिल रहा है किससे? प्राइमरी इथिलामाइन से। यानी आप इजीली पहचान सकते हो कि अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन से तो आपको क्या दे देगा? आइसोसाइनाइड देगा, इथिल आइसोसाइनाइड देगा। अगर आप इथिल अमाइन लेते हो तो इथिल आइसोसाइनाइड देगा। इज इट क्लियर? अगर आप एनिलिन लेते हो, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हो, बराबर है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आप अलग अलग फॉर्मेशन देखोगे। तो आप एरोमेटिक अगर लेते हो तो एरोमेटिक इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनिलिन लेना पड़ेगा। तो एनिलिन दैट इज नथिंग बट डी बेंजीन रिंग और उसके साथ होता है NH2, तो ये क्या हो गया बेटा आपका? एनिलिन। और इस एनिलिन की आप रिएक्शन करोगे किसके साथ? वही इंग्रेडिएंट CHCl3, दैट इज नथिंग बट डी क्लोरोफॉर्म प्लस 3 times KOH। तो जस्ट आप यहाँ पे देखोगे, आप इसको हीट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इथिल की जगह पे क्या आ जाएगा? फिनिल ग्रुप, दैट इज नथिंग बट डी, आप इसको ऐसे लिखोगे C6H5, बराबर है, -NC, दैट इज नथिंग बट डी फिनिल आइसोसाइनाइड, फिनिल आइसोसाइनाइड, फिनिल आइसोसाइनाइड मिला, प्लस 3 times KCl प्लस 3 times H2O। इज इट क्लियर? तो आप अगर प्राइमरी अमाइंस लेते हो तो आपको इथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा, अगर इथिल अमाइन लेते हो तो इथिल आइसोसाइनाइड मिलेगा, और अगर आप एरोमेटिक अमाइंस लेते हो तो आपको क्या मिलेगा? एरोमेटिक आइसोसाइनाइड मिलेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज नथिंग बट डी हॉफमैन कार्बिलामाइन टेस्ट, दिस इज नथिंग बट डी आइसोसाइनाइड टेस्ट। इज इट अंडरस्टैंड?
तो यहाँ पे आपको दिया है कि एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स फाउल स्मेलिंग अल्किल आइसोसाइनाइड। तो इसका एक अलग सा टेस्ट आता है, स्मेल आता है, जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि आपको जो मिल रहने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है, आइसोसाइनाइड है, और आपने जो स्टार्टिंग कंपाउंड लिया है वो क्या है, आपका प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हो कि प्राइमरी अमाइन आपको क्या देता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है, जब आप क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ उसकी रिएक्शन करते हो, अल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये एक टेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं हफमैन कार्बेलामाइन टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है ना, हफमैन कार्बेलामाइन टेस्ट। उसके बाद है बेटा रिएक्शन विथ, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट सातवीं जो रिएक्शंस है वो आपका नेक्स्ट स्टेप टेस्ट के तौर पर ही हिंसबर्ग टेस्ट करके आपने अगर पढ़ा होगा प्रैक्टिकल में, तो हिंसबर्ग टेस्ट करके एक टेस्ट आपने प्रैक्टिकल में पढ़ी हुई है, उस टेस्ट को हम अभी पता करेंगे कि क्या होता है हिंसबर्ग टेस्ट। तो नंबर 7 है रिएक्शन विथ अरिल सल्फोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विथ अरिल सल्फोनिल क्लोराइड, फोनिल क्लोराइड। अभी अरिल सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, एरोमेटिक सल्फोनिल क्लोराइड। उसको कैसे दिखाते हैं, जैसे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड लेते हैं तो दैट इज नथिंग बट डी अरिल, अरिल यानी बेंजीन। तो जैसे कि मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है, बराबर है, ये बेंजीन रिंग है, इसको मैंने सल्फर जोड़ा, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया क्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की रिएक्शन आप सबसे पहले देखो, रिएक्शन विथ अरिल सल्फोनिल क्लोराइड है, ठीक है, तो आपने क्या लिया, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड लिया है, यानी अरिल सल्फोनिल क्लोराइड की जगह आपने क्या लिया है, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। और इसकी रिएक्शन आपने किया किसके साथ किया, अमाइंस के साथ, बराबर है, कौन से, प्राइमरी अमाइंस के साथ। तो प्राइमरी अमाइंस कैसे आपका, अब मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, NHH बराबर है, यानी NH2 हो गया डैश C2H5, यानी ये क्या हो गया, प्राइमरी अमाइंस, दैट इज नथिंग बट डी इथिलामाइन। ठीक है, अब इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होने के बाद आपको क्या मिल रहा है, रिएक्शन होने के बाद आपको N इथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये बेंजीन हो जाएगा, ये सल्फर डबल बॉन्ड में आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और सल्फर के साथ नाइट्रोजन का अटैचमेंट हो जाएगा, एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे NHH, तो फिर क्या आ जाएगा, C2H5, और क्या आ जाएगा बाद में, क्लोरीन कहाँ पे जाएगा इसमें, एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे C2H5 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोरीन। इज इट क्लियर, तो आप इसको लिख सकते हो एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल, नहीं H2C2H5, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 हो गया, तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा HCl। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल गया ना, हाँ, तो प्लस HCl, तो आप इसको बोलोगे N बेंजील सल्फोनिल अमाइन, N इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइन। ठीक है, तो ये आपको मिला N इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइन, दैट इज नथिंग बट डी, यहाँ पे आपने क्या किया, प्राइमरी अरिल प्राइमरी अमाइंस का क्या किया, रिएक्शन किया सल्फोनिल अरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिला, N इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइन। पर आपने यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया, तब जाके आपने इस पर सल्फोनिल ग्रुप को ऐड किया है, बराबर है, तो ये बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप जो है, ये जो अटैच हुआ है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम अमाइंस, इससे हुआ है। इसका मतलब है अगर हम फिर से इसकी रिएक्शन
यानी इथिल बेंजीन सल्फोनिल की रिएक्शन हम अगर फिर से प्राइमरी और सेकंड प्राइमरी अमाइन से करते हैं तो फिर से वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, फिर से वो सल्फोनिल ग्रुप इसके साथ अटैच होगा तो आपको एन एन डाई इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि जैसे जैसे हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे बेंजीन सल्फोनिल अमाइन से, वैसे वैसे आपको अलग अलग एन इथिल फिर एन एन डाई इथिल है ना ऐसा मिलेगा। और थर्ड, जब इसके पास नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा रिप्लेस करने के लिए, तो फिर वो हमारे को ये रिएक्शन को नहीं देगा। इसका मतलब है हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं अरिल सल्फोनिल क्लोराइड में प्राइमरी अमाइन कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन कौन सा है और टर्शरी अमाइन कौन सा है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को पहचानने के लिए हम इस टेस्ट को बोलेंगे हिंसबर्ग, क्या बोलेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट। और ये यूज होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस। इज इट क्लियर? तो आपको अगर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन पहचानना है, ठीक है, जो आपको दिया है, तो उसको पहचानने के लिए हम कौन सी टेस्ट लगाएंगे, हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट लगाएंगे। और विद द हेल्प ऑफ दैट हिंसबर्ग्स रिएजेंट टेस्ट आप इजीली पता कर सकते हो कि वो प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है या टर्शरी अमाइन है। अगर वो प्राइमरी अमाइन रहेगा तो वो जब अरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट होगा तो आपको वो एन इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइन देगा। ठीक है, अगर वो सेकेंडरी अमाइन रहेगा तो वो आपको एन एन डाई इथिल बेंजीन सल्फोनिल अमाइन देगा, बराबर है। और अगर वो टर्शरी रहता है यानी इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहता तो वो आपको प्रोडक्ट नहीं देगा। इज इट क्लियर? तो आप इसके जरिए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन को आसानी से पहचान सकते हो। तो उसके लिए देखिए, जब प्राइमरी अमाइंस गिव्स अ क्लियर सोल्यूशन विच ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स इनसॉल्युबल कंपाउंड, यानी जब आप प्राइमरी अमाइंस यूज करोगे तो आपको क्लियर सोल्यूशन मिलेगा, और जब आप इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, क्लियर गिव्स इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो सॉल्युबल नहीं रहेगा। जब आप सेकेंडरी अमाइन लोगे तो सेकेंडरी अमाइन गिव्स एन इनसॉल्युबल कंपाउंड विच डज नॉट डिजॉल्व इन द एसिड। फिर दूसरा, अगर आप सेकेंडरी अमाइन लेते हो तो जो कंपाउंड मिलेगा जो इनसॉल्युबल रहेगा वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं रहेगा। और अगर आप टर्शरी अमाइन लेते हो तो टर्शरी अमाइन में आपको एक तो पहली बात रिएक्शन नहीं मिलेगी, जो भी इनसॉल्युबल कंपाउंड रहेगा विद डिजॉल्व इन द एसिड वो एसिड में डिजॉल्व रहेगा। तो इस तरीके से आप तीनों टेस्ट यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का टेस्ट आसानी से कर सकते हो। इसलिए हम रिएक्शन विद अरिल सल्फोनिल क्लोराइड को क्या बोल सकते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट और हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ये आपके 12th के प्रैक्टिकल में है। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के प्रैक्टिकल में आई है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन नंबर 7 हो गया। बाद में आपको रिएक्शन तो पता ही है, नेक्स्ट वाली अमोनियम का डाइजो अमोनियम कंपाउंड कैसे बनाते हैं करके, तो उसका नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। मैं अभी ये थोड़ा रब कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने बहुत ज़्यादा, वैसे देखा जाए तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। एक बार आपको घर में जितना भी टेक्स्ट बुक में रिएक्शन दिया है, एक बार किससे क्या बनता है ना, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में लाना है। और आप अपने शॉर्टकट पॉइंट्स जो है इसी के आधार पर निकाल भी सकते हो, जैसे हिंसबर्ग्स टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस के लिए लगती है, या फिर आपको मैंने इसके पहले बताया था कि अल्काइलेशन क्या होता है, असाइलेशन क्या होता है, बराबर है, नाइट्रस एसिड कैसे बनता है। ठीक है, अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड अनस्टेबल प्रोडक्ट है, तो उसको पहले सीतु कंडीशन में किस प्रकार से बनाते हैं, ये सब मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ा दिए। अभी नेक्स्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन। अभी देखिए आपको एक बात तो पता चल गई है, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करना है। इसका मतलब है यहाँ पे जो आप अमाइंस लेने वाले हो वो हमारा अरिल अमाइंस रहने वाला है, बराबर है। और आपको पता है अरिल अमाइंस में अरिल यानी होता मतलब होता है बेंजीन। तो आपको ये भी पता है कि जो बेंजीन जो होता है उसका जो एक्टिविटी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, आर्थो और पैरा, इस पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होते हुए आपने देखा है। मेटैक पे सब्स्टिट्यूशन बहुत कम होता है बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस। आपको पता है जो मेटा पोजीशन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने के कारण वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सबसे कम होता है, और आर्थो पैरा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, बराबर है। तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन आर्थो और पैरा पोजिशन पर ज़्यादा होता है। आर्थो के अपोजिट आर्थो होता है, पैरा के अपोजिट पैरा होता है। तो एक बार इसको भी समझ लेने का प्रयास करेंगे कि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों ज़्यादा होता है। तो बेटा मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन है, यानी अब मैं इसको NH2 अगर ग्रुप जोड़ देता हूँ, बराबर है, तो यहाँ पे बॉन्ड सिंगल डबल, बराबर है। या फिर आप फिनॉल भी ले सकते हो, इसके पहले हमने इसके फिनॉल भी पढ़ा है OH, तो ये आसानी हो जाएंगे, ठीक है। तो OH में देखिए ये बॉन्ड हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, बराबर है। तो ऑक्सीजन क्या करेंगे, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ का डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, बराबर है। फिर इसको तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बेंजीन रिंग के साथ ऑक्सीजन ने क्या किया है, डबल बॉन्डिंग बनाया है, बराबर है। तो जैसे ही डबल बॉन्डिंग बना लेगा ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी देखिए आप यहाँ पे 5 हो रही है, बराबर है, पेंटावैलेंट हो रहा है वो, तो वैसा नहीं होता है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएंगी, फिर वो अंदर आने को देखेंगी, जैसे ही यहाँ पे अंदर आएंगी आपको फिर से एक रेजोनेंस मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, तो जैसे यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, बराबर है, ये बॉन्ड इधर आएगा, तो दैट इज़ नथिंग बट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा इसका सब ये, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पे आ देता हूँ, तो इसके बाद फिर से रेजोनेंस होगा, जब यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो कैसे दिखेगा आपको, कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड हो गया था। फिर अभी ये अंदर आने को दिखेगा, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, बराबर है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था ही, ठीक है, माइनस में था। उसके बाद फिर आप देखोगे रेजोनेंस में, जब आप रेजोनेंस होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर आने को दिखेंगी, तो फिर से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बराबर है। तो आपको फिर यहाँ पे रेजोनेंस कुछ इस प्रकार से दिखेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, ये डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, और यहाँ पे देख सकते हो आप सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो अभी देखो बिल्कुल एग्जैक्टली इसके अपोजिट आपको बॉन्डिंग दिखाई दे रही है। तो ये जो रेजोनेंस बनता है ड्यू टू दैट रेजोनेंस, आप देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो तीन ही पोजीशन से लेकर दो ही पोजीशन पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ये देखो क्या था, ये आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पोजीशन था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी और यहाँ पे थी। तो आर्थो पैरा मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, डीलोकलाइज होती रहती है, पर सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखा जाता है वो क्या रहता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इज इट क्लियर, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। तो आपको अभी जो भी सब्स्टिट्यूट करना है इलेक्ट्रोफाइल, वो आपको आर्थो या पैरा क्या करना है, पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसमें हम सबसे देखते हैं पहले ब्रोमिनेशन ऑफ अरिल अमाइंस। तो ब्रोमिनेशन क्या करना पड़ेगा आपको, एडिशन ऑफ ब्रोमीन करना पड़ेगा, बराबर है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन अरिल अमाइंस, दैट इज नथिंग बट डी ब्रोमिनेशन ऑफ अरिल अमाइन। तो क्या होता है ब्रोमिनेशन ऑफ अरिल अमाइन, हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्रोमिनेशन, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला कौन है, ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड,
दैट इज नथिंग बट डी ब्रोमिनेशन. तो ब्रोमिनेशन के लिए आप क्या करते हो, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हो एनिलीन की. तो मान लीजिए ये एनिलीन है बेंजीन रिंग के साथ NH2, दैट इज नथिंग बट डी एनिलीन. और इस एनिलीन की रिएक्शन आप कर रहे हो ब्रोमीन वाटर के साथ 3Br2, दैट इज नथिंग बट डी ब्रोमीन वाटर. जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले जब आप इसकी रिएक्शन 3Br2 के साथ करोगे तो आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मिलेगा. क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल. तो कैसे रहेगा वो 2,4,6, यहाँ पे बेंजीन रिंग रहेगी.